तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, मैंने एक डेग है और इसमें भगोना है, इसमें पानी लिया हुआ है और थोड़ा गुड़ इसमें डाला हुआ है, क्योंकि मुझे ज़्यादा बनाना नहीं है। ये हम इससे आटे को गूदेंगे, इसलिए इसको बना रहा हूँ मैं। मेरे को ज़्यादा बनाने नहीं है, तो इसलिए मैंने कम मात्रा में गुड़ भी मिलाया है और पानी भी कम मात्रा में है। आप देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये गुड़ गल चुका है आधा, थोड़ा बचा हुआ है, ये अभी थोड़ा देर में गल जाएगा। अब इसके बाद का जो गुड़ पेस्ट है वो तैयार है हमारा। मैंने थोड़ा आटा ले लिया, मेरे को ज़्यादा बनाने नहीं है दोस्तों, इसलिए मैंने थोड़ा आटा लिया है। इसमें आप अपने टेस्ट के अनुसार सारी चीज़ें मिला सकते हैं, जैसे हो गया एक आती है जो तिल आती है वाइट, वो भी आप इसमें मिला सकते हैं, और काजू पीस के इसमें मिला सकते हैं, और मैंने थोड़ा सूजी मिलाई, और अब मैं थोड़ा सौंफ मिला दूंगा इसमें। टेस्ट के लिए आप मिला सकते हैं जो आपको पसंद हो वो चीज़। और आपको आप आटा गूंद देना है, जो मैंने गुड़ का घोल बनाया हुआ था उससे मैं आटे को गूंदूंगा। और दोस्तों, घूंगते हमारी सब उत्तराखंड की संस्कृति से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इनको बहुत पहले से, जब 1800 साल वर्ष पहले जो मकर संक्रांति और उत्तरायणी एक साथ हुई, तभी से इनका इनका प्रचलन शुरू हो गया था। तो दोस्तों, ऐसा बताया जाता है, हमारी दादी बताती थी मेरी, कि 25 दिसंबर से जब दिन बढ़ता है, वो जौ, हम जौ ना जौ जानते होंगे, तिल जौ जिसे कहते हैं, उसके झूस के बराबर, जो उसके ऊपर का हिस्सा होता है, उसके बराबर दिन बढ़ता था। और आज से उत्तरायणी जब हमारी होती है, तो उत्तर उत्तर ध्रुव में जो है सूर्यास्त होता है, तो इस वजह से मनाया जाता है उत्तरायणी हमारा, तभी से मनाया जाने लग गया। और दोस्तों, अब मैंने आटा गूंद दिया है, और अब मैं आपको बताऊंगा कि घुगते कैसे बनाते हैं। थोड़ा इसको मैंने लंबा किया, आटे आटा लिया मैंने, एक थोड़ा आटा लिया हाथ में, और इसको जैसे बत्ती बनाते हैं हम, रोल करते हैं उसी तरह रोल किया। थोड़ा लंबा हो गया ये, क्योंकि ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये गुड़ से वो किया गया हुआ है, गुड़ से इसको गूदा गया है, और ये इसको मोड़ा, ये इस तरह से घुगता तैयार हो जाता है। और दोस्तों, अलग अलग प्रकार से हम इसे बनाते हैं, इनमें अलग अलग आकृतियां हम दे देते हैं घुगतों में, वो आप अब मैं आगे आपको बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों, कल जो बागेश्वर में मेला है लगा, उसकी वीडियो मैं आप लोगों को कल कल दूंगा, पूरी वीडियो, शुरुआत से प्रारंभ से, तैयारियों से। और दोस्तों, अब मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे मैंने एक सूरज बनाया है नीचे, अब मैं आपको एक डमरू बना के दिखाऊंगा। डमरू जिस तरह से बना, डमरू के आकार में बना देते हैं इसको, और इस तरह से अनेक अलग अलग प्रकार से इनको बनाया जाता है। और अभी इसको तलने की जो तलूंगा जब, उस वो वीडियो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। ये मैंने सूरज बनाया हुआ है, वो मैंने डमरू बनाया, अब मैं एक सूरज या घन चक्कर कहते हैं, वो आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। एक उंगली में रोल किया आटे को इस तरह से, और आप देख पा रहे होंगे घन चक्कर के आकार का तैयार हो गया। तो यह एक इसको यह त्योहार को हम उत्तराखंड में मान सकते हैं कि सभी त्योहार जो हमारे साल में आते हैं, इसी तरह से अलग अलग उनके प्रकार के उनके लिए जो एक प्रतीक के तौर पे पकवान है वो भी बनाए जाते हैं। हम आप उत्तरायणी जैसे को मनाते कड़ाह हो हैं। गया, आप अगर उत्तराखंड से ये जुड़े हमारी जो हैं सभ्यता और संस्कृति जानते से हैं जुड़ा कि हुआ वहाँ से बहुत बनता है, गहरी छाप छोड़ता है हमारी सभ्यता और संस्कृति में। तो दोस्तों, दोस्तों जैसे कि जैसे आपने कि आप देखा कि आप देख पा रहे घुगते हैं हमारे जो बनके हैं वो कि तैयार हो चुके हैं। अब मैंने तो ज़्यादा बनाया नहीं दोस्तों, मेरे को ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए नहीं थी, मेरे को बस आपको लोगों तक पहुँचाना था कि कैसे बनाते हैं और कैसे इन्हें पूरी तरह तैयार किया जाता है, और बस ताकि इनको आप आराम इनका से टेस्ट इसमें जरूर लें। डाल लेंगे। और दोस्तों, जैसे तन्ने मैंने डाल दिए, बस इनको उठा के आपको तेल में तल देना है। ये थोड़ा देर में अपना कलर अभी चेंज कर देंगे, क्योंकि जब पक जाता है तो कलर चेंज हो जाता है, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों, बहुत पहले से हमारी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं, हमें इनसे जुड़ा रहना चाहिए। और एक प्रसिद्ध मेले का आयोजन भी होता है घुगते त्योहार में, खासकर उत्तरायणी में जो है बागेश्वर में। आप लोगों को वहाँ आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाने की जो मेरे से कोशिश हो सकती थी वो मैंने की,
बहुत से लोगों ने मेरे से इस बारे में संपर्क भी किया। तो दोस्तों जुड़े रहें उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति से। इस साल में आप लोगों को जो हमारे सारे त्योहार हैं वो उत्तराखंड में किस रूप में मनाए जाते हैं वो दिखाना चाह रहा था, वो दिखाना मेरा मकसद है और वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है और वो हमारे उत्तराखंड में घुघुती के नाम से मनाया जाता है, तो उसकी पूरी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। ये हमने घुघुती बना के हमारे और नमस्कार दोस्तों आप सभी को घुघुती त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। त्यौहार जो हमारे उत्तराखंड का मनाया जाता है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। ये सुनो घर इस तरह से नारे से कौवे को बुलाते हैं, शुभकामनाएं उसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में आते हैं जानकारी दी थी मकर संक्रांति और उन्हें भी उत्तरायण के बारे में रहती है और वो खाते हैं जो छतों में रखकर उत्तराखंड में ही मनाया जाता है दोस्तों। जो कौवे मैं पूरी जानकारी इसके आगे वीडियो में दे रहा हूँ, इसे कैसे बनाते हैं। माना जाता है कि जब तक कौवा आकर नहीं खाता तब तक जो खाया नहीं जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। काले कौवा को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय देवभूमि जय उत्तराखंड का। पक्षियों के लिए तो कई ऐसे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, लेकिन यह उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पक्षियों के लिए एक बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों। मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा इन्हें कैसे बनाते हैं।